शहरी आबादी यानी उर्दू बोलने वाली सिंधी आबादी को मुकम्मल सिंधी नहीं बनना तो नई सिंधी आबादी वालों का अलग सूबा बना दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात आपने सुने, इस पर बहुत सा रद्दअमल भी आया मुख्तलिफ सियासी जमातों का। कोई सियासी जमात अल्ताफ हुसैन साहब के इस नुक्ता नजर से कि सिंध को अलहदा करके तकसीम कर दिया जाए, इस पर कोई सियासी जमात उनसे मुत्तफिक नजर नहीं आती। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि ना सिर्फ तकसीम बल्कि पाकिस्तान मुल्क की तकसीम का भी उन्होंने तज़करा कर दिया, यानी मुल्क तोड़ने की बात भी कर दी अल्ताफ हुसैन साहब ने, जिस वजह से बहुत सी तनकीद भी हो रही है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सेनेटर शाहिद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी सिंध के, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर मशीदी साहब सेनेटर हैं, सीनियर बतायदा कौमी मूवमेंट के, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहला रजा साहब डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली की कराची से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान पे पाकिस्तान के, और इन पर भी खसूसी दस्त शफकत रखा अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी तकरीर में। तो ज़ाहिर है उनसे भी पूछेंगे कि उनका नुकता नज़र इस पर क्या है, पर सर ये फिर तकसीम की बातें, फिर खून की लकीरें खींचेंगे, फिर पता नहीं किस किस्म के बयान आने शुरू हो जाते हैं, ये बयान देते क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे ये ही नहीं समझ आती कि आप लोग क्यों क्यों ये बयान देते हैं। कौन सा अल्ताफ भाई तो इस किस्म का बयान नहीं देते। अल्ताफ भाई का बयान पूरा पाकिस्तान ने सुना लिखा, उन्होंने जो कहा कि मैं फिलोसफाइज कर रहा हूं, मैं फिलोसफी की बात कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को हम मंजूर नहीं है, अगर आप लोगों को ये मंजूर नहीं है कि पंजाबी पख्तून का सिंधी उर्दू बोलने वाले सिंधी भाई और बलोची भाई, अगर आप लोगों को तो फिर कहीं ना कहीं फेंक दो, तो फिर आप हमें अलग करो, आप लोग करो। ये कभी नहीं कहा और ना वो कभी कहते हैं और ना कभी कहेंगे कि हम अलग होना चाहते हैं। कभी ये नहीं कहा कि अलग सूबा हमारे लिए बनाओ। ये तस्करा भी किया, फर्ज करें ये तस्करा किया, अगर ये हो गया तो हम अगर वाली बात को आप लोग भूल जाते हैं। पाकिस्तान करता है, पूरा पाकिस्तान अगर की बात करता है, उन लोगों के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती। अल्ताफ भाई जो कि एक बड़े दूरंदेश और बड़े विजनरी लीडर हैं और एक दलेर लीडर हैं, जो कि बोलते हैं जो कि बोलना चाहिए और करते हैं जो करना चाहिए, तो उनको तो आप लोग ऐसे एक एक अल्फाज पे पकड़ लेते हैं। और हमारे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके बड़े बड़े बयान आते हैं, हम तो सुनते हैं इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है सर, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बयान भी देते हैं। मुनव्वर हसन साहब का जिक्र किया, जवाब देते हैं पॉलिटिकली, हम पॉलिटिकली जवाब देते हैं एज पॉलिटिकल। ये नहीं हम अक्यूज कर देते कि खुदा ना खासा कोई पाकिस्तान तोड़ रहा है या कोई, जब उन्हें तकसीम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ना अल्ताफ भाई ने कहा है, इंसाफ होना चाहिए। अगर इंसाफ ना हुआ तो क्या होना? सिंध में एक यूनिक चीज है, नंबर वन किसी और सूबे में कोटा है रूरल और अर्बन का, सिंध में है। इस्लामाबाद में भी है वैसे? नहीं, इस्लामाबाद तो शहर है ना। आप लोगों का सिंध का कोटा सूबे की बात कर रहा हूँ, सूबे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, वो तो आप इधर से खींच लें उधर से खींच लें, आप कहेंगे जी रेलवेज में है, वो तो दूसरी बात है, मगर किसी प्रोविंस में ये क्लियर कट आप डिवाइड कर रहे हो, रूरल अर्बन डिवाइड कर रहे हो? नहीं, हम कहते हैं डिवाइड खत्म करो, ये रूरल अर्बन डिवाइड को खत्म करें। रूरल अर्बन डिवाइड को खत्म करने के लिए हमने पीपल्स पार्टी का साथ हर हुकूमत में दिया है, हम उनके साथ कोएलिशन पार्टनर्स बने हैं कि ये दूर हो जाए, ये जो दूरियां हैं ये नजदीक हो जाए। अल्ताफ भाई का क्या बयान है, यकयती प्यार मोहब्बत इकट्ठे होना, हम न्यू सिंधी हैं, हमें सिंधी माना जाए, हमें सिंधी समझा जाए, हमें जो हक जो आप अर्बन सिंध को देना चाहते हैं वो हमारे शहरी सिंध को भी दो, जो लोग अर्बन सिंध में रहते हैं हमारे अर्बन रूरल एरियाज में भी दो, शहरी सिंध को भी सबको बराबर, सबको प्यार मोहब्बत से एक
सिंध प्यार की धरती है, तो हम सब वहां रहते हैं और बस रहे हैं और बड़े आराम से रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई मोहल्ले वाले में आपस में लड़ाई नहीं है, कोई ये नहीं है। लोग लड़ाना चाहते हैं, लोग लड़ाई गिर जाती है जी। नहीं तो वो तो लड़ाई नहीं है तो और क्या है। नहीं तो वो तो हम कहते हैं, किसने कहा कि इनको खत्म करो, अल्ताफ भाई ने, किसने कहा कि ऑपरेशन करो कराची में, MQM ने, किसी और ने कहा, आपने कहा, नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। हमने कहा कि फौज को लेके आओ, मगर खुदा के लिए ये जो पाकिस्तानियों का खून हो रहा है पाकिस्तान कराची की गलियों में, इसको बंद करो, ये जो बत्ताखोरी है इसको बंद करो, किडनैपिंग फॉर रैंसम बंद करो, ये जो तालिबानाइजेशन हो रही है इसको रोको। हमने कहा कि ये जो गैंग्स हैं इनको खत्म करो, और 5 महीने हो गए हैं, आज भी अल्लाह के वो क्या नाम है, आज सेनेट में बड़े आराम से गवर्नमेंट पार्टी खड़ी होकर कहती है कि हमने बड़ा अमन कराची में ले आए, 15 आदमी रात को शहीद किए गए हैं और आप कह रहे हैं कि अमन ले आए। लोग आपने 10,000 पकड़े हैं तो एक आदमी अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ, एक आदमी कोर्ट में नहीं गया, और क्या आप रोजाना कराची की नाइंसाफी पे जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शहरी आबादी को बराबर हिस्सा ना दिया गया तो अलहदा सूबे से बात आगे निकल कर अलहदा मुल्क तक भी पहुंच सकती है। सर ये फिलॉसफी है, ये एक लीडर की दूरअंदेशी, ये विजन है, वो कहता है फ्यूचर विजन है, ठीक करो खुदा के लिए, ठीक हो जाओ खुदा के लिए, ये ना हो कि ईस्ट पाकिस्तान का भी आप लोगों ने मजाक कराया था, बंगालियों का भी आप लोगों ने मजाक कराया था, ना सुना था ना देखा था, सब कुछ आपके सामने हो रहा था, सब कुछ हो रहा था और सब बेहोश बैठे हुए थे। और जब एक दिन आया तो वो हमारे से, हमारी मेजॉरिटी पहली दफा तारीख में मेजॉरिटी ने हाथ जोड़ा कि जी खुदा के लिए माइनॉरिटी हमें छोड़ दो। ये सवाल पूछा वो, लेकिन आप बार बार कहते हैं बचाने की बात कर, आपने ये नहीं किया। सर हुकूमत में 10 साल आप लोग बैठे रहे, चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जब आप 10 साल हुकूमत में रहे तब आपको सिंध में शहरी का बराबर का दर्जा नजर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं तब आपने क्यों नहीं कहा कि कोटा सिस्टम खत्म करें वरना हम इस हुकूमत से बाहर जा रहे हैं? तब आपकी डिमांड सूबे के लिए क्यों नहीं थी? इसलिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में था, 10 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ था, अब जाके वो खत्म हुए हैं। तो ये तो पहले देखिए, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है, MQM हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और पॉलिटिकल बात करेगी, कभी भी आउट ऑफ द ये चीजों से हम नहीं जाते, और इसीलिए अल्लाह के फजल करम से आप हम कोर्ट्स में बुलाने की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के से अपील करेंगे, कभी UN में जाने की अपील करते हैं। साहब आप हुकूमतों में बैठ के ये अपीलें क्यों नहीं करते? जब आप अपोजिशन में आते हैं एकदम ऐसा लगता है कि सिंध में आग लगी हुई है, लेकिन आपका नुकता सबसे ज्यादा सिंध असेंबली में हमारे लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा हम बोलते हैं, कोई सुनता नहीं। सबसे ज्यादा प्रोविंस में हम कहते हैं कि आओ मुज़ाकरात करें, हमारी सुनो, हमारी एक कौम की बात नहीं है, ये जो खूबसूरत कौमें पाकिस्तान में हैं सब कराची में रिप्रेजेंट करते हैं, बैठ के डायलॉग करके उनके हकूक दो, जो हक है जो जायज हक है वो सबको दो। हमारी रजा साहब तकसीम की बात की और एकदम शोर मच गया पीपल्स पार्टी में भी, इस पाकिस्तान में। वैसे इनका नुकता नजर अपनी जगह आप जाहिर है वो आपके सियासी हलीफ भी हैं और सियासी हलीफ भी अब बन गए हैं। इसी मुल्क में पंजाब को तकसीम करने की भी बात होती है, खैबर पख्तूनख्वा को भी तकसीम करने की बात होती है, जब आप सराकी सूबे को बात करते हो तो बलोचिस्तान को तकसीम करने की बात होती है, तब खून की नदियां नहीं बहती। सिंध के मौके पर खून की नदियां क्यों बहना शुरू हो जाती? शुक्रिया काशिफ। देखिए KPK को जब बात हो रही थी हज़ारा सूबे की, तो हम उस वक्त भी इसके खिलाफ थे और हम ये समझते हैं कि सूबे हवाने में नहीं बनते, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ा कार है, और उसमें हमने ये भी कहा था हज़ारा सूबे के वक्त कि भाई आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, अगर आप कहेंगे कि हम अपनी बिजली जनरेट कर लें तो टर्बाइन तो KPK में उस साइड लगा हुआ है जो आप नहीं मांग रहे, तो उस वक्त भी हमने मना किया था कि तकरीबन 6 या 7 NA पे मुश्तमिल नहीं बन सकता और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होता है। जहाँ तक सराइकी की बात है, 37 या 34% है वो पूरी पॉपुलेशन के और वो एक कौम है, उनके वसाइल नहीं है। कोट सबजल में जो बंदा है, जो कि सिंध की सरहद से पहला गांव है, उसको लाहौर जाना पड़ता है, बड़े मसाइल होते हैं और वो बहुत ही बदहाली का शिकार है, उनके अपने मसाइल है। ऐसा नहीं है कि उनके पास वसाइल है और हम उनको कह रहे हैं कि आप एक सूबा बन जाएं, और ये एक बहुत पुरानी कौम है पूरी,
और जहां तक बलूचिस्तान की बात है तो उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि एथनिक बेसिस पे कुछ भी नहीं हो सकता, वरना तो बलूचिस्तान भी डिवाइड हो जाएगा, एक पख्तून बेल्ट हो जाएगी और एक बलोच बेल्ट हो जाएगी। सराय की सूबे का नारा जो लगाया था, सराय की एक कौम है, उनकी अपनी पूरी जी एथनिसिटी है, अपनी कौम है, जबान है, एक जबान है वो भी। नहीं, मेरी आप बात सुन लेना, सिर्फ जबान ही नहीं है, पूरे एक उनके मसाइल हैं, सारे के सारे फैसिलिटीज जो हैं वो सेंट्रल पंजाब में, लाहौर में, उनको हर काम के लिए कोर्ट सफजल वाले आदमी को भी वहां जाना पड़ता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है कि वहां के लोग जो हैं मिनट मिनट पे उठ के वहां जाते और रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसके हिसाब से उनको उनका शेयर भी नहीं मिल रहा होता, लेकिन असल बात यह है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनना है, क्योंकि उनको वहां पे बड़े मसाइल हैं कि कोर्ट सफजल में रहने वाला और इधर सराय रहीम यार खान वाला वो इतनी दूर जाता है अपने काम के लिए। क्या सिंध में यही मसाइल नहीं है? उसके बजाय जो है जी सिंध में यही मसाइल है, कराची में तो आप जी अगर देखें, आप कश्मीर चले जाएं, मैं अभी कश्मीर का नहीं लगा था। अगर कम्मू शहीद में बैठा हुआ आदमी ये कहे कि मुझे अलग सूबा बना दो, मुझे कराची जाना पड़ता है, तो बात समझ आती है ना। अब सारा पोर्ट यही है, एयरपोर्ट यही है, बैंक यही है, सब यही है, यहाँ पे बैठ के आप जा रहे हैं। तकसीम से इतराज नहीं है, इनका तकसीम का नारा लगाने से इतराज, ठीक, सो तकसीम का इतराज नहीं है, आप तो कराची बैठे, आप तकसीम का नारा, तकसीम किसी भी किस्म, देखिए तकसीम जो है वो अगर आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे हो सकती है तो आप देख ले क्या ये हो सकता है, क्या सिंध असेंबली में लाके ये करारदाद मंजूर करवा सकते हैं? वहां पे तो ये करारदाद मंजूर कराते हैं, सिंध तकसीम नहीं करेंगे। आखिरी इन्होंने कायदे तहरीक की सालगिरह जिस दिन हैप्पी बर्थडे टू हुई है वहां पे गा रहे थे उस दिन। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की लाश छोड़े इल्जाम भी पीपल्स पार्टी पर लगा, पर शाह जी आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद कि आप भी कराची में रहते हैं, पश्तून हैं, पख्तून हैं, पख्तूनों की भी एक आबादी है, पंजाबी भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, सराइकी रहते हैं, हजारा के लोग रहते हैं, ये सारे लोग किस तरह देख रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब के बयान को? एक ब्रेक लेते हैं ना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़िम। शाह जी, सिंध वन सिंध टू कौन से में रहेंगे? ये तो ज़ाहिर बात है, दो नंबर अच्छी नहीं होती, हम तो एक नंबर पे रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध सिंधियों के अपना उनके बच्चों को नसीब करे। इस वक्त जरूरत पाकिस्तान को यकी की है, पाकिस्तान को जोड़ने की है। इस वक्त ये जो मौसम है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है पाकिस्तान के, जो दहशतगर्दी इंतहा पसंद यहाँ तक है कि कराची शहर में पुलिस की यूनिफॉर्म देख के उनको मारता है, ये नहीं कौन सी जुमान है, सिर्फ यूनिफॉर्म देख के रोजाना आप देखो ना 5-6 पुलिस वाले मारे जाते हैं। ये वाकयात स्वात में भी हुए थे, पहले हुआ था जो इलाके का बड़ा था उसको मारा, ट्राइबल में जो बड़े मारा था, और फिर उसको एफसी को मारना शुरू हुआ, रेंजर्स हुआ, अभी कराची में यही चीज़ हो रही है। अब इस हालात में अगर हम इधर जा रहे हैं, अब जैसे लिसानियत पे आवाज है, शियों को जो 2014 का जो पहला था वो क्वेटा में, वो वहाँ पे बस पे वो वाकया हो गया, बमला सुना, और दूसरे आपने कल इस्लामाबाद में देखा कि यहाँ पे वो सुन्नी वालों को मार दिया। अब एक तरफ यही चीज़ें हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, अगर इस वक्त आज भी हम पाकिस्तान की बात ना करें, मैं बोलता ना कोई पंजाबी भी, पठान हो, सिंधी हो, उर्दू हो, पश्तो हो, इस वक्त पाकिस्तानी होना है। अगर नहीं होगा तो हम तो बिल्कुल बर्बादी की नहत पे खड़ा हुए, जो आप तकसीम के खिलाफ है, बिल्कुल ये हालात क्या है और तकसीम क्यों? अगर उसने देखो अल्ताफ की बात को इतनी अहमियत क्यों तुम मीडिया दे रहे हो? उसने बोला अगर, तो बेटी हम नहीं चाहते डिस्क्रिमिनेशन, उसने बात तो सही की ना कि अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो ना, खत्म नहीं करते। अब चेक करो कि डिस्क्रिमिनेशन किसने किया, कौन किसने, देखो पिछले वक्त भी गलत हुआ अब भी गलत हुआ, 10 साल हुकूमत में भी यही डिस्क्रिमिनेशन थी। वही तो बोल रहा हूँ, एक मिनट, हमारे पास ये प्रूफ है, ऑपोजिशन में आके डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं शुरू हुई, एक यूसी 19,000 पे, एक उसी यूसी जो है 60,000 पे, ये हमारे पास पहले वाले में भी है आज भी है, वो कल भी गलत था आज भी गलत है। अगर इसको खत्म करना है तो उसके लिए एजाज कमीशन बनाए और अलकबंदे से करे, मफादात ना वहां पर इस्लाम की है ना पाकिस्तान की है, ये मफादातों की जंग है, सीधी सीधी जंग मवादात की है, कब्जों की जंग है, अदरवाइज साहब कब्जे की जंग लड़ रहे हैं। मैं ये पूरे जो भी पार्टियां बोल रही है, जो भी जिसे लेके जा रहा है, ये सब मवादात है, अदरवाइज पाकिस्तान की जंग ये है कि वहां पे ये जो गैंगवार या तालिबान के नाम पे या किसी भी बत्ते वाला ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, कल भी अगर आपने सुना होगा टीवी पे देखा होगा कि हमारे जो खाली एमपी का इलेक्शन लड़ा है उसके घर पे ग्रेनेड फेंका के 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। तो हम तो हालात तो आपके खराब हैं, आज तो हम कौन से कागजात जमा करते नहीं सकते हैं,
मिनाज फ्लोर में भी यही बातें की है कि ये कैसी जमहूरियत है कि एक तरफ तो लोग लाके रैलियां निकालते और दूसरी साइड पे इलेक्शन से 2 महीने पहले कह देते कि 3 पार्टी इलेक्शन नहीं करेगा और हम 3 पार्टी वाकई नहीं किया। मेरे कराची में 2 MPA थे, दोनों MPA के इलाके में धमाका हुआ जिसमें 17 बंदे शहीद हुए, दूसरे में 12 जख्मी और आज मैं उससे बाहर हूँ। आने वाले वक्त में मेरा शहर काउंसिलर भी ना बने। नहीं, लेकिन आप कहते हैं इस इशू पर बात क्यों हो? यहाँ पर सूबे और मुल्क तोड़ने की या मुल्क तकसीम करने की और अलहदा मुल्क बनने की बात हो रही है। तो अगर बोल रहे यहीं से बात शुरू होती है जो आगे जाके कहीं ना कहीं मटेरियलाइज होती है। अगर बोलता है आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों ये पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं? मैंने जो कहा वो सुन, उन्होंने कहा कि अगर मैंने जो कहा वो सुन भी ले सकते हैं। चलें, आप मैंने कहा सर, मैंने कहा सूबे बन रहे हैं, कोई बात हो रही है जिसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। ये गुफ्तगु मुल्कों के लिए अच्छी चीज होनी चाहिए। अगर जुल्म होगा तो मुल्क टूटते, मतलब अगर जुल्म हो रहा है तो तभी कह रहे हैं ना, वो हवाई फायर थोड़ी कर रहे हैं। अगर ये तो मौके पे जब इलेक्शन कमीशन या आजाद कमीशन आधी आबादी काट दी, हमें मार दिया, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, सर ये चार्जशीट है पूरी हुकूमत के खिलाफ। अगर ये चार्जशीट मौजूद है, मैं ये कहता हूं कि सिंधी के साथ जुल्म है। अब सिंधी की लाइफ देखो, वो तो तबाह हो गए। आप अंदरूने सिंध जाके देखे हालात, दुरुस्त फरमाया। मैं खुद बताऊं, मैं मेरा गांव मर्दान है, मर्दान में जो मेरा गांव है वो मुझसे लाख दर्जा पीछे, मैं उसे आजाद गुना चाहूं। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरा बच्चा वकील बन गया, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं है, तो मैं कैसे बोलूं? आप सही कह रहे हैं, ये नाइंसाफी है जिसका जिक्र होगा, होना चाहिए। तकसीम की बात जहां तक जो बात थी आपने कहा, मैंने कहा सुनिए कि अल्ताफ हुसैन साहब का बयान सुनाइए जो मुल्क तकसीम करने और अलहदगी की बात उन्होंने की। पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब से कहता हूं, हर शोबे में तेरे का मुआहदा कर लो, वरना फिर सूबा बन सकता है और सूबे से आगे बढ़ रही बात तो मुल्क भी बन सकते हैं। वरना सूबा बन सकता है और उससे मुल्क भी बन सकता है, ये मैं नहीं कह रहा ये जी वरना के साथ देखिए, मैं ये बात कह मैं अगर कहूँ, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं गोली चला सकता हूँ, गोली चलाई तो गोली दिल पे भी लग सकती है, तो आप अगर से मैं बहुत फर्क है कि मैं गोली चलाऊंगा इसमें, अगर प्राचा साहब को सुन ले, मैं इसके बाद आपके पास आता हूँ। प्राचा साहब आपके बारे में भी बड़े इरशादात फरमाए उन्होंने कि आपके जमात इस्लामी के लोगों को घर ना बुलाया करो मिलाद जुलाद पढ़ने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ये जो अलहदगी की हो रही है आप कैसे देखते हैं? जी अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, एक तो आप काफी देर बाद आए हैं तो आप थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। कोई और जमात का लीडर कोई अपनी बयान की तर्दीद कर सकता है, उसकी कोई वजाहत हो सकती है, उनके मानने वाले कोई उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में ये बात मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि उनका एक लफ्ज नशर होता है। इस दौरान टेलीविजन वाले इतने मुअद्दब हो जाते हैं और इतने वो खौफ ज्यादा होते हैं कि इश्तिहारात नहीं चलाते अपने, उस दौरान कोई एक लफ्ज जाया नहीं होने देते। जब इतनी वाज़े बात हो, ये अगर क्या लफ्ज है, अगर कोई आदमी ये कह दे हमें हकूक ना मिले तो हम भारत को बुला लाएंगे, तो उसके बाद वो फिर मोहब्बत बदल जाएंगे। आप ये अगर के लफ्ज के साथ चीजें माफ नहीं हो जाती, और ये नहीं हो जाता कि अगर कह के आप आदम को काफिर आदम ना कहते और फिर कहेंगे जी मैंने तो अगर जी प्राचा साहब अभी मेरी बात तो मुकम्मल नहीं हुई। काशिफ जी, प्राचा साहब, काशिफ मैं बात करूं? जी प्लीज प्राचा साहब जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यहां सवाल कराची के तो और हैं, सवाल ये है कि यहां पर इंसानों को किस जुर्म की सजा दी जा रही है, उसमें उर्दू बोलने वाले भी हैं, पश्तो बोलने वाले भी, पंजाबी भी, सिंधी भी, बलोची भी, उनकी लाशें क्यों उठ रही हैं, उनको बेगुनाह क्यों मारा जा रहा है, उन पर फतहगोरी का कल्चर क्यों मुसल्लत है, उनका नोगो एरियाज क्यों बन गए हैं, सवाल तो कराची के ये हैं। और उर्दू बोलने वाले कहां नहीं है, पंजाब के हर घर में उर्दू बोली जाती है, जमात इस्लामी के तो बानी भी उर्दू बोलने वाले थे, हमारे मौजूदा अमीर भी नेमतुल्ला खान भी और अब्दस्तार अफगानी भी। ये सवाल पैदा करके असल तो उन जराइम से नजर हटाने की बात की जा रही है जहां लोग एतराफ कर रहे हैं, जहां लोग मान रहे हैं,
जहां वो अपने 100-100 आदमियों को बेगुनाह मरने वालों का एतराफ कर रहे हैं, जहां ये पता चल रहा है कि एक ही तरह के आदमी अहले सुन्नत को भी और अहले तशई को भी मार रहे हैं, जब ये चीजें खुल रही हैं, तो अब आप सूबे की बात कर रहे हैं, आप इख्तदार में शामिल रहे हैं, आप जो है हर इख्तदार में ताकतवर तरीन इख्तदारों में शामिल रहे हैं, आपने उस वक्त तो ये बातें नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया प्राचा साहब, मैं जरा वापस आता हूँ इस इशू पर, मैं जरा जवाब इधर से भी ले लूं थोड़ा सा। पहले मैं जरा शैला रजा साहिबा से पूछ लूं, क्योंकि उनका भी उनका एक नुकता नजर तमातों का नुकता नजर आपके मुखालिफ ही होगा इस चीज पर, मैंने कोई जमात आपके साथ इतफाक करते हुए इस इशू पर नहीं देखी है। शैला रजा साहिबा, अगर उन्होंने जिक्र किया कोटा सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, हकूक की बात कर रहे हैं, काशिफ देख उसमें कोई खराबी तो नहीं? अगर उन्होंने 91 में नहीं कहा, ठीक है, 91 में MQM सबसे बड़ी हकूमती जमात थी और एक सीट से जीतने वाले जाम सादिक को उन्होंने CM बना दिया, लेकिन अगर नहीं कहा उन्होंने कि हम CM ही बना दो, हमें हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर जाम सादिक के साथ मिलकर इन्होंने मुस्लिम लीग N के साथ 91 वोटर रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से आज तक सिंध पानी के लिए तरसता है, फिर 94 में ये फिर नवाज शरीफ के साथ थे, हकूमती जमात में सबसे बड़ी पार्टी थी इनकी, और इन्होंने सीजे लिंक कैनाल जो है उसको चलवाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में ये अकॉर्ड में से पहले भी था कि ये सरप्लस कंडीशन में चलेगी। 97 में ये फिर हकूमती बड़ी जमात थे तमाम जमातों के साथ मिलकर, जबकि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात थी, लेकिन इन ये सबको मिला लेते हैं, और फिर उसमें ये बड़ी जमात थे जिसमें लियाकत जतोई वजीर आला थे और कौम परस्त डिप्टी स्पीकर के लिए इन्होंने वोट किया था जलाल महमूद शाह के लिए, उस वक्त भी इन्हें हकूक याद नहीं आए, कुछ नहीं मांगा इन्होंने। फिर 2002 में ये परवेज मुशर्रफ के साथ थे, सबसे बड़ी जमात थे, 60 दिन तक सिंध का सेशन नहीं बुलाया गया जब तक 10 MPA नहीं तोड़ लिए गए पीपल्स पार्टी के, और ग्रेटर थल केनाल जो है वो बनाई गई, जो कि खुशाब से निकलकर चोलिस्तान से घूमती हुई सिंध में दरियाए सिंध में आके गिरती है, जिससे फिर सिंध का पानी कटा, लेकिन इन्होंने कोई आवाज नहीं बुलंद की। तो आप ये कह रहे हैं कि ये हैं सिंध के मुखालिफ? मोहम्मद अली ने, मेरा कहना यह है कि उस वक्त इन्हें कोई हकूक याद नहीं आए, और एक सबसे बड़ी बात हुई कि 1974 में एक माहिदा हुआ था कि सिंध का अगर वजीर आला सिंधी होगा तो गवर्नर उर्दू स्पीकिंग होगा, और अगर गवर्नर सिंधी होगा तो वजीर आला उर्दू स्पीकिंग होगा, लेकिन लियाकत जतोई के जमाने में एक उस माहिदे के खिलाफ वर्जी हुई, ये उस वक्त भी हकूमत में थे कि लियाकत जतोई वजीर आला और मियां मोहम्मद सुमरो गवर्नर थे, लेकिन इन्होंने कोई आवाज बुलंद नहीं की माजरो। और चौधरी मोहम्मद अली 1954 में पहली दफा कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसको खत्म होना था 64 भुट्टो साहब तक वो चलता हुआ आया, भुट्टो साहब ने उसको जो है 10 साल के लिए उसको और बढ़ाया, जब भुट्टो साहब ने बढ़ा दिया तो उसको 73 और 74 में खत्म होना था, तो आइन मौतल था, जियाउल हक ने उसे फिर 10 साल के लिए कर दिया। 94 में नवाज शरीफ के साथ ये लोग मिनिस्टर थे, उसने 94 से फिर 2004 तक कर दिया, ये लोग नहीं भूले, 2004 में फिर ये मुशर्रफ गवर्नमेंट में थे, उसने फिर उसको बढ़ा के 2014 तक कर दिया, ये लोग नहीं बोले, तो आप मुझे बताओ कि हम क्या करें। अच्छा, और वो मैं जवाब ले लेता हूँ शैला बीबी, मैं इसका जवाब लेता हूँ, आपने पूरी एक चार्जशीट कर दी है इनके खिलाफ। सर जी जवाब देते, आप हर दफा हकूमत में थे जब ये कोटा सिस्टम एक्सटेंड हुआ, बोलते क्यों नहीं जिस वक्त ये फैसले हो रहे होते? देखिए, कोटा सिस्टम 10 साल के लिए हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, उस वक्त वो बैकवर्ड थे, उस वक्त वो बैकवर्ड है सर, थी नहीं, अभी इनडेफिनेटली तो नहीं चलता रहेगा ना, अब पॉपुलेशन का भी डिफरेंस हुआ है ना, खत्म कराया होता ना, आखिरी 10 साल में देखें कि कितनी पॉपुलेशन के मूवमेंट हुई है अर्बन एरिया से। अगर खत्म नहीं हुआ तो अलग सूबा मुल्क, अब गवर्नमेंट में तो यही बहुत डिफरेंस हो गई है पॉपुलेशन की, अब तो बराबर हो गई है नए सिंधी और पुराने से। अच्छा, मेरा कहना ये है, सेंसस इसीलिए तो करवा नहीं रहे, आप करवा के देख ले। दूसरी बात ये है, मेरा कहना ये है कि ये मजे की बात की, आता हूं मैं आपके पास, आता हूं, उनको उनको याद आ गया कराची में किलिंग, उनको याद आ गया बत्ताखोरी, ये भूल गए
कि जब जरूरत थी कौन बोला है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अल्ताफ भाई ने मांगा था कि ऑपरेशन करो, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का की डिमांड है कि ऑपरेशन करो, बत्ताखोरी खत्म करो, टारगेट किलिंग खत्म करो। हमने 10 साल नहीं सुना लोग मरे और आप हुकूमत से उतरने के बाद ऑपरेशन की डिमांड करते हैं। आप बहुत काबिल और बड़े फेमस और बड़े काबिल आपका है। आपको पता है कि पूरे 5 साल हम एमक्यूएम पीपुल्स पार्टी से लड़ती रही कि जी हमें ऑन बोर्ड लो, हमें खुदा के लिए लो एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो आपसे धमाके नहीं कर रहे, वो कहते हैं नहीं इन्होंने, आप हमें ऑन बोर्ड लो, आप इन द लूप लो, हमें कभी किसी से पूछा नहीं, कभी मीटिंग में नहीं लाए, इंटीरियर मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं थी, चीफ मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं थी, जब हमारे पास थी, जब 5 साल पहले 6 साल पहले उस वक्त ना टारगेट किलिंग थी ना बत्ताखोरी की थी, बत्ताखोरी की आपके पास अभी भी एमक्यूएम कहता है कि जी ये खत्म करो, एमक्यूएम की डिमांड है कि कराची में अमन लाया जाए। डिस्पैशनेटली डिमांड्स देख ले, डिस्पैशनेटली जज्बाती होके नहीं, जज्बाती होके एक बात कहना चाहूंगी, क्विकली पॉइंट काशिफ में एक बात कहना चाहूंगी। हाँ काशिफ, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हर दफा ये कोटा को खत्म करना फेडरल मैटर है, अभी भी ये प्रोवेंशियल मैटर नहीं है। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी वजीर आजम के लिए वोट कास्ट किया, ममनून हुसैन को ये वहां पे उठाएं, खत्म करा दें। ठीक, नुकता बड़ा प्रोवेंशियल मैटर नहीं है अभी, मतलब के खत्म अगर हो गया तो अब आप शोर किस बात पे डाल रहे हैं जी, अगर खत्म हो गया तो नहीं, उसको लागू रखा हुआ है ना, उसको चला रहे हैं ना गैर कानूनी। तो आप अच्छा वफाकी हुकूमत से बात करें, ये वाली बात है, डिस्पैशनेटली देखें, डिस्पैशनेटली गैर जज्बाती तौर पे, सिंध का जो जो देही इलाका है वाकई बहुत बैकवर्ड है, बहुत हालात खराब है वहां पे, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये तो खैर शहरी इलाके के लिए आवाज उठानी चाहिए, हालात बहुत बेहतर है। ये तकसीम की तरफ जाएगा मामला अगर ये मामला सेटल ना हुआ, क्योंकि ये बात कहना आगे से जवाब जो है पीपल्स पार्टी का, जी वो तकसीम तो भूल जाएं, ये तो नहीं हो सकती, ये तो अगर गुफ्तगू का आंसर खत्म कर देंगे ये तो तनाव की तरफ जाएगा ना मामला। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोग बैठ जाएंगे और कोई ले देंगे, कोई सौदे हो जाए, कोई वजारत है, कोई मिनिस्ट्री, कोई ले हो जाएगा, तो कोई कुछ नहीं होगा। जब सारी वजारतों की लड़ाई यही है और क्या है, इख्तियार की जंग है वजारतों के लिए, तो कितनी देर से हम लोग नहीं आए, हम अभी तक अपोजिशन में, मैं कहता इख्तियार ले आ जाते, सिर्फ इख्तियार तो सिर्फ इख्तियार की जंग है और कुछ नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ जाती मफादात, अगर इनको 4 वजारतें मिल जाए खामोश हो जाएंगे कुछ और, मैं ये नहीं कहता इनको मिल जाए तो उनके पास तो है, लेकिन लेकिन इनको अगर कुछ इख्तियार में हिस्सा दे सिंध कराची का कुछ कंट्रोल हैदराबाद की इनको दे तो लड़ाई खत्म है, अगर तुम इसको साइड पे रखोगे तो वो नहीं मानते, फिर ये नारे लगेंगे, फिर ये नारे लगेगा, ये सियासी नारा हुआ ना फिर, आप इसका जो भी नाम रखो, नहीं मैं तो उसका यही नाम रखूंगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि मामला मेरा अपना सोच ये है कि ये मफादात की जंग है, न ये माजर उर्दू बोलने का जंग है, न ये पश्तो का जंग है, न ये सिंधी का जंग है, 18 करोड़ गरीब आवाम की जंग नहीं है। अगर ये बात होती तो कितनी देर से हमें ऑफर मिल रहा है कि गवर्नमेंट को ज्वाइन करो ज्वाइन करो, हम नहीं जाओ गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रहे, तो अगर हमें ये ताज हुकूमत का मकसद होता तो कितनी देर पहले हम जाके कोई ना कोई में मुलाकात कर ली, आपने कहा ऑफर पीपल्स पार्टी ने कहा कोई ऐसी ऑफर नहीं की आप लोगों को, ऑफर नहीं तो फिर क्यों ये कहते हैं कि आओ रोज आते हैं, रोज इनके मिनिस्टर क्यों अखबारों में देते हैं कि आप आओ आप हमें ज्वाइन करो, क्यों ये शाह जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं पीपल्स पार्टी वो कीमत नहीं दे रही आपको जो कीमत आप मांग रहे हैं, नहीं नहीं कीमत भी मतलब नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम पाकिस्तान की आवाम के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कराची हैदराबाद अल्ताफ भाई को ये न समझे है ना समझेंगे अल्ताफ भाई की बात, जी राजा साहब आप अल्ताफ हुसैन को साहब को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ सकते वो उनकी सोच आगे की कोई भी नहीं समझ पाएगा, 22 साल से वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, गवर्नर इनका वहां रहा है, ये लोकल गवर्नमेंट में रहे हैं और उर्दू बोलने वालों को क्या दिया है, बोरीबान लाशें दी हैं, जितने भी उनके पार्क थे जो पब्लिक इस्तेमाल के लिए थे उन पे कब्जे किए, उन पे प्लाजे भरे, उनको आप लोगों को जो एक सांस लेने की सहूलत थी वो भी खत्म की है, ये उर्दू बोलने वालों की खिदमत हुई है, कौन सा उर्दू बोलने वाले की बात है, वहां तो सारे ये भत्थे की जंग है और मफादात की जंग है। राजा साहब देखे कहते हैं कि इजाजत है चाहे वो सिंधी है बलोच कराची की आवाम इनको एक काउंसिलर भी बना दे कोई किसी को तो मैं कहूंगा कि मेरा ख्याल है देखे राजा साहब लोगों की ये लोग भत्ता भी लेते हैं, ये लोग कत्ल भी करते होंगे, बोरियां भी बंद करते होंगे, लेकिन इनके दौरे निजामत में कराची का हुलिया बदलते हमने दिया हुआ है,
जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, वो लिस्ट पूरी पेश हुई है जिन जिन पार्कों पे कब्जे हुए और प्लाजे बने हैं, होटल बने हैं, वो कौन सी चीज है जो कराची वालों को पता नहीं है। आप कोई भी झूठ के साथ चीजों को लपेटा नहीं जा सकता। कराची में तो लोग सामने प्लाजे बनते हुए देख रहे हैं, लोगों को करोड़पति बनते हुए, लोगों ने अरबपति बनते हुए देखा है। इसलिए अल्फाज के अंदर लपेट के आप इन जरायम से पहलू तही नहीं कर सकते। कराची के लोगों ने तो लाशें उठाई हैं। ये कराची के कराची की चार्जशीट है, मैं इस पे जवाब दूंगा। इनकी चार्जशीट छोड़ो, इनको तो कोई अगर काउंसलर भी कोई बना देना तो मैं मान लूंगा। मैं जरा एक और अताफ हुसैन साहब के बयान का एंगल है, एक और एंगल पता चल जाएगा। हम तो कराची के, कराची में हमारे मेयर रहे हैं, नाजम रहे हैं, और हमारा जो है वो 14 जो है वो टाउनों के अंदर हमारे नाजम रहे हैं। इसलिए वो तो बायकॉट किया हुआ था, लेकिन लेकिन नेमतुल्लाह खान का काम भी कराची को मानना पड़ेगा। नाम निशान नहीं होता। नेमतुल्लाह खान ने काम भी बहुत अच्छा किया, मुस्तफा कमाल ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन कराची का हुलिया इन दो निजामात के दौरान बदला है। ये वो हुलिया बदलते हमने खुद देखा है। जुल्फिकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी का जो पीपल्स पार्टी फैला रजा साहबा, जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा, जरा सुनिएगा, ये भी जवाब देंगे, ये पीपल्स पार्टी के साथ इतनी मोहब्बत अल्ताफ हुसैन साहब ने क्यों की इस तकरीर के अंदर? सुन लें कि जुल्फिकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी का किरदार क्या रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की लाश को छोड़कर उनसे बराते लेकर भागने वाले आज सिंध के वारिस बने बैठे हैं, ये भुट्टो के कातिल हैं। जी शाला रजा साहब, भुट्टो के कातिल हैं जो वारिस बने बैठे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की लाश को तना छोड़कर भाग गए थे मरात के लिए आप लोग। काशिफ, पहली बात तो ये कि जो सिंध में रह रहा है कोई सी जबान बोले वो सिंधी है, और वो वारिस है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही वारिस नहीं है। ठीक है, ठीक है। सारे सिंध का एक एक शख्स, चाहे वो फंक्शनल को वोट देता हो, चाहे किसी को वोट देता हो, वो सिंध का वारिस है। और दूसरी बात यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो को आपने याद किया, 24 साल से आप बाहर बैठे हैं, बाय चॉइस ब्रिटिश नेशनल हैं। उस जुल्फकार अली भुट्टो को याद करते वक्त आप भूल गए कि उसने ये लिखा है कि मैं डिक्टेटर के हाथ तो मरना पसंद करूंगा लेकिन तारीख में मरना नहीं पसंद करूंगा। उसी डिक्टेटर ने हेलीकॉप्टर से उनकी लाश भिजवाई थी, 11 आदमियों ने नमाज जनाजा में शिरकत की थी, बेटी और बीवी जो है वो सियाला रेस्ट हाउस में थी, और उनके लोग छोड़ के नहीं भागे थे। उन्होंने 86,480 कोड़े भी खाए हैं और 17 फांसियां भी खाई हैं, 19 खुदकुशियां भी हैं, और मुझ जैसी खातून ने भी जब मैं लड़की थी जेल काटी है। तो हम में से कोई छोड़ के नहीं भागा, जो छोड़ के भागे थे ना वो सियासत में मर चुके हैं, हमने उन्हें नहीं मारा, जो हमें छोड़ के भागे वो खुद सियासत में मर गए, चाहे वो खर हो, चाहे वो जतोई हो, चाहे वो कुछ हो, वो मर गए। और जो छोड़ के भागे तो क्या आपके लोग आपको छोड़ के नहीं भागे? एक मिनट मटंडी साहब प्लीज अपनी बारी में बोले, कितने लोग निकले, कितने लोग कितने जैसे हुए थे, अखबारों को देख लो, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं था। काशिफ, कोई काशिफ इन्हें खामोश करें, अगर हमें लोग छोड़ के भागे है ना तो वो सियासत में मर गए, हमने नहीं मारा। आपको लोग नहीं छोड़ के भागे क्या? आपके यहाँ हकीकी नहीं बनी क्या? आपको राजे खान छोड़ के नहीं गए क्या? आपको बहुत से लोग नहीं छोड़ के गए? उस हमें छोड़ के भी गए, हमारा नजरिया जिंदा था, हम मौत से नहीं डरे, हमारे तो सारे लीडर तबाही मौत नहीं मरे, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने 2 दफा वजीर आजम का भी जो है एजाज पाया के मुल्क के बने। तो ये ताने देना जो है इतना गरूर सही नहीं है कि सुबह दोपहर तक तकरीर में अयाज पलीद था और रात को अयाज पलीजों के यहाँ बैठे हुए थे। ठीक, मेरा सवाल यह है, कालाबाग डैम बन जाएगा अगर हिमायत कर दे तो? मेरा सवाल यह है, कभी नहीं, इस वक्त जो आवाम को प्रॉब्लम है उस इशू पे क्यों डिस्कस ना करें? ये इसे भुट्टो साहब की 24 साल हो गए, क्या हुआ, कौन भागा कौन नहीं भागा, इन बातों पे टाइम जाया करें। इससे बेहतर नहीं है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, लिसानी कत्लो गारत, बेसुकूनी प्रॉब्लम, इसको चाहिए। और अभी आवाम ने अचानक आवाम को मुताहिब किया, हम लोग क्या मुशर्रफ साहब के इशू से नजर हटा रहे हैं जी?
हम अगर अगर तो अब ये इशू को उठाकर इस पे टाइम जाया करें, 7 महीने हो गए मौजूदा हुकूमत की, इसकी मौजूदा हुकूमत की बात करोगे, अभी 7 महीने में क्या हुआ? 18 करोड़ आवाम ने उनको वोट दिया, हमने मान लिया कि हम हार गए, आप अच्छे अब आए 7 महीने का हमें हिसाब दो कि हमें अमन करो अभी के लिए। अभी मैंने आज मैंने फोन में भी ये बात कही है कि इमरान खान को या नवाज शरीफ को इख्तियार है वो बात करे, वो मिन्नत करे, वो पांव पड़ जाए, वो लड़ाई करे, वो मौलाना से मुलक से करवा दे, वो मौलाना इमरान खान से करवा दे, वो मौलाना मनोहर साहब साहब से करवाए, जिससे भी करवाए, अमन ले आए, क्योंकि अवाम ने वोट दिया था अमन के लिए, हमें वोट नहीं दिया क्योंकि हमने अमन नहीं दिया था, हमने लोगों को यही गिरा था। वो अमन वाली बात करो यार, इश्यूज पर है। एक ब्रेक के बाद, क्या ये परवेज मुशर्रफ साहब के मसले से नजर हटाने के लिए एक और स्टंट है कि मामला परवेज मुशर्रफ साहब से हटके किसी तरफ चला जाए, ये एक सवाल। दूसरा, जरा डिस्पैशनेटली अगेन मैं ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या सिंध की तकसीम की बात हो सकती है या इसके ऊपर बात ही ना करें जी, बाकी सारे सूबों की बात कर लें, सिंध की तकसीम पर बात ना करें? इंशाल्लाह रजा साहब, ये सवाल आपसे पूछूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, अगर इजाजत है मैं पराचा साहब से शुरू करना चाहूंगा। पराचा साहब, परवेज मुशर्रफ साहब का केस भी चल रहा है, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि शायद क्योंकि उनके हक में बड़े बयान देते हैं अल्ताफ हुसैन साहब, तो उससे भी नजरकशी, उससे उसको पर्दे के पीछे डालने की भी एक कोशिश है, आप इसे इत्तेफाक करेंगे इस असेसमेंट से? जी बिल्कुल, वाजे बात है जी कि वो 12 मई के जो वाकयात हुए थे, परवेज मुशर्रफ ने वहां पर उसका क्रेडिट लिया था, उसने कहा था देख लिया हमारी ताकत, तो वो जो लाशें गिरी और तड़पी थी उसको उसने अपना क्रेडिट कहा था। दो बातें मैं मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूं, प्राचा साहब आखिरी सेगमेंट है गुफ्तगू जी, जी। नहीं एक मिनट जी, मैं मतलब बात तो जल्दी सर, जल्दी जल्दी सर, टाइम नहीं, आखिरी सेगमेंट कमाल और जल्दी बताइए, दोनों बताइए लेकिन जल्दी बताइए सर। द मुस्तफा कमाल और उनको साथ साथ मिलाया नेमतुल्ला को, मुस्तफा कमाल ने अरबों कमाए हैं, ऑडिट नहीं हुआ, और 3 मुल्कों के अंदर उनके कारोबार हैं, मलाइशिया में, वेनेजुएला में, दुबई में, और जमात इस्लामी की जो मुखालफत कर रहे हैं वो तो दरसे कुरान की मुखालफत कर रहे हैं, जिसके कुरान की मुखालफत कर रहे हैं वो खुद इनको भुगत लेगा। बिल्कुल ठीक है प्राचा साहब, मैं मिलाया नहीं, देखिए मैं नहीं जानता कि इसके बैंक अकाउंट किधर है, यकीनन आप ठीक कह रहे होंगे, मैं तो सिर्फ काम जो ग्राउंड के ऊपर काम है उस काम की बात कर रहा हूं, जो कराची में रहते हैं, मेरा कराची जो पहले आना जाना था और बाद में जो मैं था, मैं तो वो अपनी आंखों से देखा हाल बता रहा हूं आपको। शैला रजा साहिबा, तकसीम सिंध की बात हो सकती है? देखें मैं एक बताना चाहती हूं कि जब 1 यूनिट खत्म हुआ तो कराची दारुल खिलाफा था फेडरल का, तो कराची और लाहौर क्योंकि सूबे का था तो यहाँ पे तो काफी काम हुए, लेकिन जो देही सिंध है कराची को क्योंकि उससे हटा के दारुल खिलाफा बनाया था, जैसे इस्लामाबाद को पंजाब से हटाया हुआ होता है, तो वो बिल्कुल ही नजरअंदाज हो गया था अपनी उस तारीख की वजह से कि देही सिंध की और मौजूदा बलूचिस्तान की एक तारीख है जिसमें हम शायनायत को, सोटों को, दोदों को, होशों को सामने रखते हैं, कलहड़ों को, टालपुरों को, कि जो भी कोई पे कब्जा करने आया चाहे वो अंग्रेज हो चाहे मुगल हो, सिंध के लोगों ने उनसे तकसीम की बात नहीं करें, आप ये कह रहे हैं पता नहीं करने दिया, तो तकसीम हम कैसे कर दें? एक हमारा स्ट्रांग पार्ट पे आप कब्जा करके कहें इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग है कि वीक को हम काट दें, हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हम अभी ना शायनायत को भूले, ना टालपुरों को, ना हम कलोड़ों को, ना होशू को, कि जिसने कहा है मरसू सिंध देसू सर देसा पर सिंध ना देसा, तो हम ये कैसे कर सकते हैं जी? आवाज उठे तो गरीब एरिया से उठे, जैसे सरायकी से उठ रही है। अगर बेहतर होता, अगर आपका जवाब ही होता, बात तो हो सकती है, लेकिन अगर आप आर्गुमेंट ज्यादा तगड़े दें तकसीम के खिलाफ वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि इमोशनल आर्गुमेंट्स की बात नहीं, असेंबली में आवाज नहीं है, आवाज नहीं है सर, अब असेंबली में फिर आप क्यों आवाज नहीं है, असेंबली नारों और तकरीरों में बात करते हैं इसके ऊपर, असेंबली में ले तो ये तो आप अल्ताफ साहब से पूछें जो ये कहते हैं, शैला बीबी जरा कर्नल साहब को बात करने दीजिएगा, एक मिनट काशिफ, एक मिनट मैम, बात खत्म हो जाएगा मेरा वक्त, प्लीज बहुत थोड़ा आखिरी सेगमेंट मिनट। उन्होंने कहा कि कियानी साहब भी परवेज मुशर्रफ के साथ ट्रायल किया जाए, जनाब कियानी साहब तो यूनिफॉर्म में थे, उनको तो ओबे करना था, आप क्या यूनिफॉर्म में थे? आप यूनिफॉर्म में थे सर, बहुत सारे किस्से खुल जाएंगे, लेकिन तकसीम की बात आप असेंबली में जाके क्यों नहीं करते सर? तसल्ली तनसीम देखिए असेंबली में तो पास करते हैं, की तो कोई बात कर नहीं रहा, वार्निंग दे रहे हैं, वोन कर रहे हैं कि खुदा के लिए होश के दखल दो, खुदा के लिए एक पूरी आप तो की पूरी